बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनीला मैरिज प्योरो में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, अपने लव्ड वंस के साथ बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं जो आपसे प्रोफाइल शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी बहुत नाइस, बहुत ही प्यारी सी क्लाइंट हैं। इनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, ये शी इज़ जस्ट लाइक माई सिस्टर। और इनकी जो एज है वो 37 ईयर्स ओल्ड हैं। ये इनकी हाइट 5'4" है। ये माशाल्लाह MBBS डॉक्टर हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ब्रिटिश नेशनल हैं और UK में ही होती हैं, स्पेशलाइजेशन कर रही हैं। इन्होंने इसके अलावा MSc बायोमेडिकल साइंसेस में भी किया है मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी UK से, और करंटली ये GP बन रही हैं वहाँ पे इंशाल्लाह, और बहुत जल्द जो है ये बन जाएंगी। तो इनकी कास्ट राजपूत है। ये माशाल्लाह बहुत हाईली क्वालिफाइड फैमिली से बिलोंग करती हैं और शी लुक्स लाइक वेरी यंग, बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन, बहुत फेयर है इनका। लेकिन इनके साथ एक ट्रेजेडी ये है कि ये डाइवोर्स्ड है और इनकी एक ही बेटी है जो इनके पेरेंट्स के पास होती है और वो ही उसको अपने पास रखेंगे। जब अल्लाह करे इनका अल्लाह ताला नसीब खोले, इनकी लाइफ में बहुत अच्छा इनको मतलब पार्टनर मिले और ये बहुत खुश रहे, मेरी इनकी बहुत सारी दुआएं मेरी जो है इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा खुश रखे, खुशियाँ दें इनको, आमीन। तो ये बेटी इनके पेरेंट्स के पास ही रहेगी, बेटी का कोई अमल दखल नहीं होगा इनके लाइफ में अगर ये शादी इनकी होती है इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा जी, चले आते हैं इनके प्रोफाइल की तरफ। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी डॉक्टर है, UK में ब्रिटिश नेशनल है। इनका अपना बहुत खूबसूरत घर है UK में, अपनी गाड़ी है और बहुत वेल सेटल्ड लेडी हैं माशाल्लाह से। इनके दो भाई हैं, एक भाई दोनों बोथ आर मैरिड, दोनों मैरिड हैं माशाल्लाह से, बहुत हाईली मतलब क्वालिफाइड हैं और बच्ची बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रही हैं, दोनों ब्रिटिश नेशनल हैं। इनकी जो डिमांड है वो है जी, इनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो यही है कि ये इनको MBBS डॉक्टर मिले, क्योंकि एक डॉक्टर ही जो दूसरे डॉक्टर की जो मुश्किलात समझ सकता है, क्योंकि इनके जो पहले हस्बैंड थे वो डॉक्टर नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती थी, क्योंकि आपको पता ही है डॉक्टर्स की डे एंड नाइट की ड्यूटीज़ होती है। तो जो हस्बैंड डॉक्टर नहीं होते वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वैसे तो उनको बहुत शौक होता है कि जी हमारी वाइफ डॉक्टर हो, MBBS चाहिए हमें, लेकिन वो है MBBS को ना हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए बल्कि मैं सबको यही कहती हूँ जो अपने डिमांड मुझे MBBS बताते हैं कि जी आप लोग एक अपने स्टेटस को में इजाफा करने के लिए डॉक्टर्स जो है डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हैंडल नहीं कर सकते, उनकी बहुत टफ ड्यूटी होती है। और एक डॉक्टर ही एक डॉक्टर को सही तरह समझ पाता है कि उसकी इस वक्त क्या ड्यूटी चल रही है, वो हॉस्पिटल में है और उसको मुझे कैसे उसको सपोर्ट करना है। तो ये सिर्फ एक डॉक्टर हस्बैंड ही अपनी डॉक्टर वाइफ के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अब इनकी यही कोशिश है कि इनको जो है ना वो डॉक्टर ही मिले, और डॉक्टर वो कहीं से भी हो सकता है, MBBS डॉक्टर बेशक वो UK से हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, कहीं से भी हो जाए, इवन के UAE से भी हो जाए, तो इनको कोई मतलब इनके लिए वो एक्सेप्टेबल होगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इनके लिए। और वो ये उसको मतलब स्पॉन्सर कर देंगी UK में, लेकिन मस्ट जो है वो MBBS डॉक्टर होना चाहिए। और सेकंड इनकी जो है रिक्वायरमेंट वो ये है कि अगर डिवोर्स हो डॉक्टर तो विदाउट किड्स होना चाहिए उसको, मतलब उसके किड्स नहीं होने चाहिए। और बाकी एज लिमिट जो है वो होनी चाहिए, अगर ये 37 की हैं, मतलब 36 की होकर 37 में ये इनका स्टार्ट हुआ है, तो वो 40 तक होना चाहिए उसको, डॉक्टर 40 तक हो या हद लिमिट 42 तक हो जाए। और बाकी हाइट मतलब के 5'7" तक हो जाए, 5'8" तक हो जाए, 5'9" तक हो जाए, हाइट का इनको कोई इशू नहीं है। और कास्ट इनकी ओपन है, वो किसी भी कास्ट से हो जाए, इनको कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि बहुत डाउन टू अर्थ फैमिली है, बहुत नाइस लोग हैं, वेल ऑफ लोग हैं, और जितने ये वेल ऑफ लोग हैं उतने ही डाउन टू अर्थ हैं।
ये लड़की बाई नेचर बहुत नाइस है, बहुत अच्छी है, इसको मैं पर्सनली जानती हूँ क्योंकि ये शी इज जस्ट लाइक माई सिस्टर, इसके साथ मेरी बहुत अच्छी बहनों जैसा प्यार है इसके साथ मेरा। तो मेरी तो दिन रात इसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं कि अल्लाह ताला इसको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दे, जितनी इसने अपनी लाइफ में मुश्किलात देखी हैं अल्लाह ताला इसको इतनी खुशियां दें कि ये अपनी पास की सारी परेशानियों को भूल जाए और एक बहुत खूबसूरत लाइफ इसको अल्लाह ताला अता करे, एक बहुत अच्छा पार्टनर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर आप लोगों का प्रोफाइल इनके प्रोफाइल के साथ मैच करता है, आपकी रिक्वायरमेंट मैच करती है, तो आप ज़रा प्लीज़ मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। आप मुझे कनाडा से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, यूके से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, और अगर आप डॉक्टर हैं तो डोंट फॉरगेट टू सेंड मी मैसेज। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 0345-409-0285। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, ये मैं इस वीडियो के नीचे भी मैंशन कर रही हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं मुझे मेरा ये नंबर। और इसके अलावा आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं माय फेसबुक पेज, माय इंस्टाग्राम अनीला मैरिज प्योरो। मुझे आपके मैसेजेस का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा, आप लोगों के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, आपका प्यार, आपके मैसेजेस, आपकी दुआएं, सबसे बढ़कर आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब जो मेरे फीमेल क्लाइंट्स हैं, जो मेरे मेल क्लाइंट्स हैं, उनकी जो मदर्स हैं वो मुझे बहुत दुआएं देती हैं, आप यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मुझे इसी तरह दुआओं में आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा, और मेरा चैनल अपने लव्स वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके तआवुन का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोफाइल के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपके तआवुन का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।